नमस्कार, सिटी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं रिया कर और आप देख रहे हैं जिले का नंबर वन चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। पटना बंद निषेध विभाग और मोतीपुर थाना की पुलिस ने संयुक्त रूप से एनएच पर छापेमारी कर 500 लीटर शराब के साथ चालक को किया गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर रेलवे जंक्शन की बनने की कवायद तेज हुई, रेलवे के अधिकारी पहुंचे औचक निरीक्षण के लिए। और उधर थाना क्षेत्र के खबरा स्थित एनएच पर अनियंत्रित बस ने गार्ड को रौंदा, मौके पर हुई मौत। तो ये थे आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार। मुजफ्फरपुर रेलवे जंक्शन की निर्माण कार्य की कवायद तेज हो गई है, रेलवे के कई बड़े अधिकारी औचक निरीक्षण के लिए पहुंचे। मुजफ्फरपुर जंक्शन को वर्ल्ड क्लास बनाने और कार्य में गति देने के लिए रेलवे बोर्ड के मेंबर और प्रधान मुख्य इंजीनियर जंक्शन पर पहुंचे। इससे पहले टीम ने पटना से नरकटियागंज रेल खंड का विंडो निरीक्षण किया। दोनों अधिकारियों ने स्पेशल ट्रेन से अपनी टीम के साथ निरीक्षण किया। मुजफ्फरपुर वाल्मीकि नगर दोहरीकरण का भी जायजा लिया गया। इसी दौरान मिली कमियों को दूर करने के लिए पदाधिकारियों को निर्देश भी दिया गया। नरकटियागंज जाने के क्रम में करीब 20 मिनट तक रेलवे बोर्ड के सदस्य इंफ्रा व प्रधान मुख्य इंजीनियर की विशेष गाड़ी जंक्शन पर रुकी रही। इधर शनिवार को रेलवे बोर्ड के सदस्य इंफ्रा रूप नारायण सोनकर व प्रधान मुख्य इंजीनियर आरएलडीए के अधिकारियों के साथ जंक्शन स्थित वीआईपी कक्ष में बैठक भी करेंगे। इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। देखिए, ऐसा है कि हमको इस एरिया में जितने भी काम चल रहे हैं उनको देखने के लिए हम आए हुए थे। तो डबलिंग का काम चल रहा है, बहुत ही अच्छी गति है। मतलब जिस तरह से काम होना चाहिए प्रगति काफ़ी अच्छी है। और सबसे बड़ी बात ये जो अपना स्टेशन डेवलपमेंट का काम है, ये एक बहुत ही बृहद स्केल पर कार्य किया जा रहा है। करीब 400 करोड़ से भी ज़्यादा लागत से इस स्टेशन का उद्धार किया जा रहा है। और जो स्टेशन बिल्डिंग बन करके तैयार होगी वो एक देखने लायक स्ट्रक्चर्स होंगे, लोगों के लिए, बिहार के या अपने मुजफ्फरपुर के लिए एक बहुत बड़ी सौगात होगी। सारे जगह भारतीय रेल में काम चल रहा है। अभी मोतिहारी, बापू मोतिहारी जो स्टेशन है वहाँ पर भी हम लोग देख करके आए, वहाँ पर भी काम चालू होने वाला है। लाइन का काम भी बहुत अच्छा तरह से चल रहा है, सारे तरह से प्रगति काफ़ी अच्छी है। सर, जैसे कि इंस्ट्रक्शंस वगैरह क्या कुछ किया गया? इंस्ट्रक्शन यही है कि हमें काम जितना भी अगर कहीं पर तेजी लाने की जरूरत है तो हमें तेजी लाना जरूरी है। सारे लोग मिल करके अगर कोई समस्या है तो उसका समाधान टाइमली कर लें और जितने जल्दी हो सके इस बिल्डिंग को हमें सामने लाना होगा, क्योंकि 3 साल का इसका जो है टाइम था उसमें से अभी इनिशियल स्टेज में प्लानिंग में काफ़ी टाइम लगता है, क्लियरेंसेस में काफ़ी टाइम लगता है, तो वो पूरा हो चुका है। आपने देखा होगा कि जो टर्मिनल स्टेशन जो उधर बना हुआ है जो आपकी लोकल ट्रेन के लिए चल रहा है वो तो ऑलरेडी काम उस पर चालू है, काफ़ी अच्छी प्रगति है। जैसे वो काम होता है, मद निषेध विभाग की टीम और मोतीपुर थाना की पुलिस ने संयुक्त रूप से छापेमारी कर 500 लीटर शराब के साथ चालक को गिरफ्तार कर लिया। मोतीपुर पुलिस ने मद निषेध विभाग की सूचना पर एक कंटेनर शराब के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। शुक्रवार को मोतीपुर थाना पुलिस को मद निषेध विभाग ने सूचना दिया था कि एक कंटेनर थाना क्षेत्र की तरफ जा रहा है, उसमें शराब लोड है, जिसके आधार पर मोतीपुर पुलिस ने टीम गठित किया, जिसके बाद एक ढाबा के समीप मद निषेध विभाग और मोतीपुर पुलिस ने शुक्रवार की अगले सुबह छापेमारी कर एक कंटेनर शराब के साथ चालक को गिरफ्तार किया। शराब मोबिल के जर्किन में छुपा कर रखी थी। शनिवार को मोतीपुर पुलिस ने कंटेनर चालक को न्यायालय में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पूरे मामले पर सिटी एसपी अरविंद कुमार सिंह ने कहा कि मद निषेध विभाग और मोतीपुर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में भारी मात्रा में विदेशी शराब के साथ कंटेनर चालक को गिरफ्तार किया गया है, जिसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। देखिए, मोतीपुर में मद निषेध के साथ समन्वित कार्रवाई में स्थानीय थाने में एक कंटेनर और उस कंटेनर में अन्य सामानों के साथ साथ लगभग 500 लीटर के आसपास शराब बरामद की है और उसका ड्राइवर भी कंटेनर का पकड़ा गया है। कंटेनर में जो नंबर है वो संभवतः उत्तर प्रदेश का है, उसकी हम लोग जांच कर रहे हैं। तो अभी तक यही उपलब्धि है और मद निषेध विभाग के साथ स्थानीय थाने में मिलकर ये उपलब्धि प्राप्त की है। एक ड्राइवर अभी तक अरेस्ट है और जो उनका टिपिकल मोडस ऑपरेंडी चल रहा है वो यही है कि जो व्यक्ति गाड़ियां चलाता है उसको विशेष रूप से जानकारी नहीं होती है। हालांकि ये मामला थोड़ा अलग है क्योंकि इसमें शराब के साथ साथ कुछ अन्य सामान भी मिला है जो किसी डिलीवरी के उद्देश्य से जा रहा है।
देखेंगे क्या एक्शन के आधार पर अग्रिम कार्रवाई। अब अभी ये तो हम नहीं बता सकते क्योंकि आप जानते हैं कि ये हाईवे है जो उत्तर बिहार के शेष जिलों की तरफ जाता है। मुजफ्फरपुर में बहुत सारी ऐसी शराब भी बरामद होती है जो यहीं के लिए भेजी गई थी और बहुत सारी ऐसी भी होती है जो अन्य जिलों की तरफ जा रही थी। और इस हाईवे पर चेकिंग का सघन अभियान चलता है स्थानीय पुलिस के द्वारा भी, एक्साइज टीम के द्वारा भी, मध्य निषेध के द्वारा। सदर थाना क्षेत्र के खबरा मैदापुर गांव स्थित गैस गोदाम में अपराधियों ने हथियार के बल पर लूटपाट की। आज हुआ था क्या, वही 6:30-7 बजे करीब 8-10 के संख्या में आया बदमाश और वो लड़का को गेट ढकढकाया, बोला गैस लेना है, ये गेट खोला। उतना ही में बात करते करते इसको हथियार सटा के और इसको आगू करके सब आया और हम लोग भी अंदर में थे, हम लोगों को भी हथियार सटा दिया और सब कुछ लूटपाट के चल गया। मुजफ्फरपुर जिले में अपराधियों का तांडव लगातार देखने को मिलता है। देखिए ताजा मामला की बात करेंगे तो सदर थाना क्षेत्र के खबरा की है, जहां पर देखिए कि एक गैस एजेंसी में अभी लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया। करीब शाम के 6:30 बजे गैस की एजेंसी में लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया। हथियारबंद अपराधी ने इस घटना को अंजाम दिया। खबरा स्थित मैदापुर इलाका है और इसी जगह पर HP का गैस एजेंसी है। बात करेंगे तो यहाँ पर 8 से 10 संख्या में अपराधी यहां पर आए थे, प्रवेश किए थे और कुछ अपराधी गेट के बाहर थे, लेकिन 6 की संख्या में, जैसे यहां के स्टाफ का कहना है कि 6 की संख्या में अपराधी आते हैं और कहते हैं कि मुझे गैस लेना है। उसी दौरान जब गेट दरवाजा खोला जाता है उसी दौरान अपराधी के द्वारा यहां के स्टाफ के कनपट्टी पर पिस्टन भिरा दिया जाता है। उसके बाद सभी अपराधी मिलकर एक रूम में, जो यहाँ के 3 स्टाफ और एक दाई यहाँ पे जो काम करती है, उनको एक रूम में बंद कर बंधक बनाकर उनके जो मोबाइल फोन है उनको ले लिया जाता है। साथ साथ जो आज का कलेक्शन है करीब 2 लाख रुपए के, उसको अपराधी के द्वारा लेकर लूटपाट करके यहाँ से फरार वो लोग हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि बड़ी लूट की घटना को मुजफ्फरपुर में अंजाम दिया गया। सदर थाना क्षेत्र का इलाका है, मामले की जानकारी जैसे ही सदर थाने की पुलिस को लगी है तो दल बल के साथ सदर थाने की पुलिस यहां पर पहुंचकर छानबीन में जुट गए। हालांकि इस पूरे मामले पर बता दें कि टाउन ASP अवधेश दीक्षित भी अभी यहां पर आ चुके हैं और देखिए कि मामला की छानबीन में वो खुद कर रहे हैं, CCTV फुटेज को खंगाल रहे हैं। CCTV फुटेज में सभी अपराधी का जो है वो जो करतूत है वो सामने आ गया है और अपराधी किस प्रकार से पिस्टन भिराकर लूटपाट की घटना को अंजाम देते हैं वो साफ तौर पर देखा जा सकता है। तो क्या कुछ कह रहे हैं यहाँ के स्टाफ और क्या कुछ कह रहे हैं वरीय अधिकारी, वो आप सुनिए। आज हुआ था क्या, वही 6:30-7 बजे करीब 8-10 के संख्या में आया बदमाश और वो लड़का को गेट ढकढकाया, बोला गैस लेना है, ये गेट खोला। उतना ही में बात करते करते इसको हथियार सटा के और इसको आगू करके सब आया और हम लोग भी अंदर में थे, हम लोगों को भी हथियार सटा दिया और सब कुछ लूटपाट के चल गया। अर्जुन कुमार नाम है उसका। कई लोग यहाँ से थे, आप लोग कई लोग थे? हम 3 लड़का थे, वो ये गेट खोला है वो और एगो हम थे, एगो महिला था, वो खाना बना रही थी, वो मात्र वही 3 आदमी 3 लड़का एगो लेडीज था। हमें फोन पर सूचना दिया गया, हम कलम बाग चौक पर थे, वहाँ सूचना मिली कि ये कुछ हथियार बंद आए हैं, गैस एजेंसी गोदाम को लूट लिया है। तो मैं वहाँ से तुरंत आया यहाँ, तो 5-7 के करीब 6:55 में वो गैस लेने के बहाने आए थे, गैस लेने के बहाने आए और वो कहे गैस दो, ये कहा गैस रात में अभी नहीं देंगे, कार्ड दिखाओ, का कार्ड नहीं है, बिना कार्ड का गैस नहीं है। तो दोनों में बहस हुआ, बहस होने के बाद गेट खोला, उसके बाद 5-7 हथियार। आज शाम को 7 बजे मदौल मठ के पास खबड़ा गांव में एक रमेश HP गैस एजेंसी है, यहां पर 7 से 8 के आसपास लोग, जब यहां पर 4 से 5 लोग अंदर काम कर रहे थे तब अंदर घुसे हैं और घुस करके लूटपाट की है और लगभग 2 लाख के आसपास पैसे को लेकर के गए हैं। ये घटना हुई है, इसमें टीम बाकी छानबीन कर रही है और CCTV वगैरह देखा जा रहा है और उम्मीद है कि जल्दी इसमें आदमी पकड़ा जाएगा। अभी चल रहा है, CCTV का एनालिसिस कर रहे हैं। मोतीझील स्थित नव दुर्गा साउंड के प्रोपराइटर ने अपनी सुरक्षा को लेकर नगर थाने में आवेदन दी है। शहर के मोतीझील के बंदूक गली स्थित नव दुर्गा साउंड के प्रोपराइटर उत्तम कुमार ने नगर थाने में आवेदन देकर जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाई है। उत्तम कुमार ने बताया कि भू माफियाओं द्वारा जबरन उनकी दुकान पर कब्जा करने के उद्देश्य से उन्हें धमकी दी जा रही थी, दुकान खाली नहीं करने पर उनके साथ
शुक्रवार को दुकान में घुसकर मारपीट की गई। इसके खिलाफ जब उन्होंने थाने में आवेदन दिया तो पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। नतीजन शुक्रवार को एक बार फिर उन्हीं लोगों ने दुकान में घुसकर जान से मारने की धमकी दी। इसकी शिकायत उन्होंने SSP से मिलकर की है। उन्होंने बताया है कि अगर पुलिस को कोई कार्रवाई नहीं करती है तो वह लोग मुझे जान से मार देंगे। मेरी दुकान बंदूक गली में है, नव दुर्गा साउंड के नाम से है। उसको भू माफियाओं ने 8-10 आदमी से कल दिन में 4 बजे कड़ी में मुझे मारा पीटा, जिसका सामने यहाँ पर भी नजर आया। मैंने अपनी इंजुरी भी करवाई है, थाना में आवेदन दिया है। थाना में रंगदारी की घटना का FIR नहीं दर्ज किया गया, बाकी FIR में धारा लगाई गई है। उसके बाद फिर रात में 8 बजे फिर ये लोग 8-10 आदमी से आए, बोले कि तुम थाना में आवेदन देते हो, तुम्हारा दुकान का गोडाउन का सबका चाबी जो है छीन लिया गया है, और बोला कि तुमको मर्डर कर देंगे। जैसे अफसोस चला गया, तुम भी चले जाओगे दुनिया से। मुन्ना शुक्ला मेरा दामाद को उसको पीट दिए, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सका, तो तुम किस खेत की मूली हो। अभी तक थाना के द्वारा कोई आवेदन कोई कार्रवाई नहीं किया गया है। थाना में आपको आवेदन दिए? थाना में आवेदन दिए हैं। आज सुबह हम टाउन SP साहब से मिले हैं, उन्होंने बोला है 4 बजे तक, 4 भी बज चुका है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। मतलब आप पर क्या मतलब डर बना हुआ है? डर मेरी जान के ऊपर खतरा बना हुआ है। अभी भी मैं जा रहा हूँ सदर में, चूंकि आंख में बहुत ज्यादा मेरे ये हो रहा है, आप देखिए पूरा आंख एकदम लाल हो रखा है, धुंधलापन नजर आ रहा है भाई यहाँ से। कानू समाज के आराध्य देव गणिनाथ गोविंद जी महाराज का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। कानू समाज के आराध्य देव गणिनाथ गोविंद जी महाराज का जन्मोत्सव शनिवार को धूमधाम से मनाया गया। बीबीगंज के गोविंदपुरी में स्थित गणिनाथ गोविंद जी महाराज मंदिर में सुबह से ही पूजा अर्चना करने के लिए भक्तों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। मुजफ्फरपुर का यह मंदिर लगभग 100 वर्ष पुराना है। कानू समाज के लोग इस पूजा के आयोजन को तीर्थ समझते हैं। सैकड़ों की संख्या में लोग यहां मन्नत मांगने आते हैं। श्रद्धालु सफेद गेरुआ डाला और विभिन्न प्रकार के प्रसाद चढ़ाकर गणिनाथ गोविंद जी महाराज की पूजा अर्चना करते हैं। पूजा के उपरांत विशाल भंडारे का भी आयोजन भी किया गया था। इसके साथ ही सम्मान समारोह और सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया था, जिसमें शहर के कई गणमान्य लोगों को सम्मानित किया गया। इस दौरान यहाँ मेले का भी आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 200 से 250 छोटी मोटी दुकानें लगाई गई। इसमें बच्चों के लिए खिलौने से लेकर महिलाओं के लिए श्रृंगार और घरों की सजावट की सामग्री बिक रही थी। जो सनातन धर्म के प्रतीक हैं, जो भारत की संस्कृति के प्रतीक है, आज संत बाबा गणिनाथ जी महाराज संत थे और वही संत है तो आज सनातन है, और सनातन है तो भारत की संस्कृति है, और भारत की संस्कृति है तो यही निष्ठा और आस्था से जुड़ता है। लेकिन कुछ देश के ऐसे लोग हैं जो धर्म पर इधर उधर के बात कर रहे हैं और संस्कृति और सनातन पर भी इधर उधर की बात कर रहे हैं। हर साल के भाते इस साल भी सन सेरेमनी श्री श्री 1008 बाबा गणिनाथ गोविंद जी महाराज के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में हम सभी के पूरी टीम बाबा गणिनाथ गोविंद जी के परिवार के तरफ से विधिवत रूप से पूजा अर्चना का कार्यक्रम किया गया है। साथ ही साथ पूरी टीम के सहयोग से भंडारे का भी आयोजन किया गया है, जिसमें महाप्रसाद 4000 की संख्या में लोगों को महाप्रसाद वितरण किया गया है। साथ ही साथ विशेष रूप से चिकित्सा का भी प्रबंध किया गया है, उसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम सम्मान समारोह का भी आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन रीवा रोड स्थित पलवैया धाम में महाराज गणिनाथ गोविंद जी की पूजन उत्सव धूमधाम से मनाई गई। रीवा रोड पुखरेरा चौक स्थित पलवैया धाम में बाबा गणिनाथ गोविंद जी की पूजा महोत्सव का आयोजन किया गया। इस वर्ष 25वां महोत्सव होने की वजह से भव्य आयोजन किया गया था। इस महोत्सव में जिले के हर क्षेत्र से हजारों भक्त शामिल हुए। भक्तों ने अपने कुल देवता की पूरी रीति रिवाज के साथ पूजा अर्चना की। महोत्सव में भंडारे का भी आयोजन किया गया। दरअसल कानू समाज की कुल देवता के रूप में बाबा गणिनाथ गोविंद जी की पूजा प्राचीन काल से की जाती है। उनके उपासकों की मान्यता है कि भगवान शिव के अवतार में बाबा गणिनाथ का जन्म हुआ था। सपना हुआ था जो आज 25 साल होने जा रहा है। गणिनाथ गोविंद जी सबको कृपा बनाए रखे। यहाँ पे हजारों हजार की संख्या में महिलाएं और पुरुष आते हैं और छपरा सिवान नक्सौर मुजारी बहुत दूर दूर से लोग आते हैं
यहाँ भंडारा और प्रसाद का व्यवस्था भी किया गया है। हमारे पूजा समिति के लोग इस कार्य में लगे रहते हैं और कल शोभा यात्रा 8-9-2023 को मनाया गया है, उसमें काफी भीड़ भाड़ हुआ है। हमारे पुलिस प्रशासन का भी बहुत बड़ा सहयोग रहता है और अपने गांव समाज से भी बहुत बड़ा सहयोग मिलता है। जय बाबा गणिनाथ। रविवार को होने वाली बिहार विधानसभा सचिवालय सुरक्षा प्रहरी की परीक्षा को लेकर समन्वय सभा कक्ष में बैठक की गई। बिहार विधानसभा सचिवालय के लिए होने वाली कल के सुरक्षा प्रहरी प्रतियोगिता परीक्षा 2023 हेतु जिले में 18 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था के बीच 14,000 अभ्यर्थी देंगे परीक्षा। इस परीक्षा में प्रश्न पत्र को एक निजी एजेंसी के द्वारा कराया जाएगा। परीक्षा में उपलब्ध प्रपत्र और उत्तर पुस्तिका को वहीं सभी परीक्षा केंद्र पर बनाए गए हैं। सेक्टर मजिस्ट्रेट और स्टैटिक मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं। सभी केंद्र पर होगी विशेष रूप से पुलिस की तैनाती। स्पेशल ब्रीफिंग में एडीएम अजय कुमार ने दिया है जानकारी। बिहार विधानसभा सचिवालय के लिए सुरक्षा प्रहरी के लिए कल आयोजित होने वाली परीक्षा की तैयारियों को पूरा कर लिया गया है और इसके लिए पूरे शहर में 18 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर 14,000 से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा को देंगे। इसके लिए जिला में सभी तरह की व्यवस्था को पूरा कर लिया गया है और परीक्षा केंद्र में मजिस्ट्रेट और केंद्र अधीक्षक को जरूरी जानकारी और निर्देश भी दिए गए हैं। मामले में एडीएम अजय कुमार ने बताया कि कल सुबह 11 बजे से इस परीक्षा का आयोजन किया जाना है और इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। सभी जरूरी गाइडलाइन के अनुसार निर्देश दिया गया है और कहा गया है कि जिले के इन केंद्र पर सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम रहेगा और सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में इसको कराया जा रहा है और साथ ही सभी केंद्र में मजिस्ट्रेट और पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। परीक्षा के प्रश्न पत्र और प्रारूप को निजी एजेंसी उपलब्ध कराएगी और इसका आयोजन करेगी, साथ ही इसको लेकर के जानकारी भी दी गई। हम लोग अपने जिले के पदाधिकारियों को ही प्रेक्षक के रूप में भी प्रतिनियुक्त करते थे, लेकिन इस परीक्षा में विधानसभा के स्तर से ही अन्य जिलों के पदाधिकारियों को प्रेक्षक के रूप में प्रतिनियुक्त किया गया है, जिनकी निगरानी में पूरी परीक्षा हमारी संचालित होगी। बाकी जो हमारी व्यवस्था रहती है, सेंट्रल सुपरिंटेंडेंट्स, स्टैटिक मजिस्ट्रेट, पुलिस ऑफिसर्स और वो जो हम लोग करते हैं, गहन ट्रेसिंग होगी गेट पर। परीक्षा का शेड्यूल जो है वो 2 घंटे की परीक्षा होनी है, 11 से 1 बजे तक, और उसी के हिसाब से हम लोगों ने यातायात की से जो जुड़े हुए लोग हैं उनकी व्यवस्था। हाँ, एक और नई बात इसमें है कि इसमें जो परीक्षा से संबंधित जितनी भी सामग्रियां हैं, इंक्लूडिंग जो क्वेश्चन बुकलेट वगैरह है, ओएमआर सीट है, सभी की आपूर्ति एक स्वतंत्र एजेंसी के द्वारा की जानी है और उस एजेंसी के द्वारा ही परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरा या अभ्यर्थियों का जो आपको ये करना है, बायोमेट्रिक वगैरह लेना है या उसके बार कोड की स्कैनिंग, जितने भी उसकी। वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारे नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। आपके साथ और 2 वर्षों के प्यार ने यूए एसोसिएट नील कमल एक्सक्लूसिव शोरूम को मुजफ्फरपुर में एक अलग पहचान दिला दी है और उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम, जो अब नारायणपुर अपोजिट वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज की जगह क्लब रोड मिठनपुरा चौक के समीप यूए एसोसिएट का एकमात्र भव्य शोरूम अब नए रूप में खुल गया है, जहां आपको घर और ऑफिस फर्नीचर और मैट्रेस की विस्तृत रेंज ग्राहकों के लिए भी 50% तक की विशेष छूट के साथ दी जा रही है और साथ ही साथ 0% पर फाइनेंस की सुविधा के साथ अपने घर ले जा सकते हैं, जैसे सोफा, डिजाइनिंग टेबल, वार्डरोब, मैट्रिक्स दीवान पलंग के साथ सभी प्रकार के फर्नीचर पर विशेष रूप की छूट दी जा रही है। 2 वर्षों का साथ निभाने के लिए यूए एसोसिएट नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम आपका तहे दिल से धन्यवाद करता है और एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे।
इस विशेष छूट का लाभ जरूर उठाएं। यूए एसोसिएट नीलकमल का फर्नीचर शोरूम नारायणपुर से हट करके मिठनपुरा चौक के समीप क्लब रोड में हम लोगों ने अभी स्थापित किया है, जहां आपको होम फर्नीचर के, ऑफिस फर्नीचर के विस्तृत रेंज देखने को भव्य रूप से मिलेंगे। और हमारे पास मैट्रेस की भी एक बहुत अच्छी रेंज उपलब्ध है, और साथ ही साथ हमारा लगन का भी काफी भारी डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, जिसमें 40% तक की छूट दी जा रही है। और साथ में हमारे यहाँ फिनांस की भी सुविधा है, जिसमें आप बजाज से, HDFC से 0% डाउन पेमेंट पर भी सारी चीजें ले जा सकते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आकर के हमें सेवा का मौका। अपने सपनों के आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कचारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहाँ मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर, कॉल 9934753111। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, ये बढ़ते अगली खबरों की ओर। सदर थाना क्षेत्र के खबरा स्थित NH 28 पर अनियंत्रित बस ने सिक्योरिटी गार्ड को रौंदा, मौके पर हुई मौत। शुक्रवार की देर रात सदर थाना क्षेत्र की खबरा में ड्यूटी से लौट रहे सिक्योरिटी गार्ड को अनियंत्रित बस ने मारा ठोकर, अस्पताल ले जाने के दौरान हुई मौत। मृतक की पहचान सरिया थाना क्षेत्र के बगनगरी गांव निवासी प्रमोद कुमार ठाकुर के रूप में हुई है। मृतक अपने भाई के साथ ड्यूटी खत्म करके लौट रहा था, उसी दौरान सदर थाना क्षेत्र के खबरा NH 28 के पास अनियंत्रित बस ने ठोकर मार दी, जिससे वह पूरी तरह घायल हो गया। आनंद फानन में एक निजी अस्पताल में लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना पर पहुंची सदर थाना की पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। तो क्रॉस कर रहे थे रोड, गए उधर से बस वाला आया, ठोकर मार दिया, हम तो बिगा गए और इनको जो है से ब्रेन हेमरेज कर गया, और इनका जो है से उसी जगह से जो है बहुत हालत खराब हो गया। माँ जानकी हॉस्पिटल लाते लाते जो है से इनका जो है से डॉक्टर बोले कि ये मर चुके हुए। उस समय से कौन है आपके? मेरे भाई हैं। क्या करते हैं? सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करते थे, और यहाँ होटल में ही जॉब करने आए हुए थे। तो हम इनको फोन करके कहे कि अब चलिए घर ड्यूटी से छोड़ने के लिए, तो बोले कि थोड़ा ड्यूटी है और हम कर लेते हैं। वही रोड पर आए हुए थे, हम दोनों आदमी घर ही जाने वाले थे, उसी में बस वाला जो है आकर के इनको जो है मार दिया ठोकर। बस वाला मार करके और भाग गया। बहु पटना के साइड से, बैरिया तरफ से, रमजालू के तरफ से निकल गया। कहाँ मार कर? हम लोग वहाँ से घर जाने के लिए निकले थे कि गोबरसही होकर के घर जाएंगे, तब तक जो है से इनको मार दिया ठोकर आई, रोड पर पूरा जो है से इनका गिर गए। अब वहाँ से हम किसी तरह हम लोग गाड़ी से कर देती है ड्यूटी में। क्या जानकारी मिला? बड़ा वो बोले कि हॉस्पिटल में जाइए, वहाँ डेड बॉडी लेकर के जाकर पोस्टमार्टम रूम में जमा कर देने के लिए। कहाँ पे हुआ है जी हमको मालूम नहीं। पहचान वगैरह हो। जिले में डेंगू धीरे धीरे अपना पांव पसार रहा है, जिसको लेकर सिविल सर्जन ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठ। राज्य भर में तेजी से पांव पसार रहा डेंगू ने मुजफ्फरपुर जिले में भी तेजी से दस्तक दी है। जिले में महज एक ही दिन में 10 केस की पुष्टि के बाद जिले में यह आंकड़ा बढ़कर 14 हो गया है। नए केस शहरी क्षेत्रों के साथ ही मुशहरी प्रखंड क्षेत्र का बताया गया है, जिसके बाद सभी PHC में डेडिकेटेड वार्ड रिजर्व रखा गया है और दवाओं के छिड़काव के निर्देश स्वास्थ्य विभाग की ओर से दिए गए हैं। इसके साथ ही SKMCH में प्लेटलेट्स का इंतजाम कर दिया गया है। इस मामले की जानकारी सिविल सर्जन डॉक्टर उमेश चंद्र शर्मा ने दिया। मुजफ्फरपुर जिले में डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। जिले में 10 नए मरीज मिले और अब इसके साथ आंकड़े बढ़कर 14 हुए हैं। बताया जा रहा है कि इनमें से SKMCH में 5 इलाजरत हैं और मरीजों में 3 मुजफ्फरपुर जिले के, 1 सीतामढ़ी व 1 पूर्वी चंपारण के बताए गए हैं। इसके अलावा जिले के मोतीपुर क्षेत्र, बोचहा और मुशहरी क्षेत्र में भी मरीज मिले हैं, जिसके बाद सदर अस्पताल में, मेडिकल कॉलेज में और सभी PHC में अलग से डेंगू के वार्ड मरीजों के लिए रिजर्व रखा गया है। वहीं जिले में डेंगू वायरस मामले में बाहर से आने वाले मरीज पर विशेष नजर रखी जा रही है। CS डॉक्टर उमेश चंद्र शर्मा ने बताया कि डेंगू को लेकर हम लोगों ने अपनी तैयारियों को पूरी कर ली है और इसको लेकर सभी PHC में डेंगू वार्ड, मेडिकल कॉलेज के साथ जिला सदर अस्पताल में विशेष वार्ड बनाया गया है और साथ ही मरीज की निगरानी रखी जाने के लिए अलग से टीम को बनाया गया है। साथ ही
प्रभावित वार्ड में दवाओं की छिड़काव किए जाने के लिए निर्देश भी दिए गए हैं और मरीजों की दवाओं को उपलब्धता से सुनिश्चित कराया गया। हम लोगों ने डेंगू को लेकर पूरी तरह से अलर्ट पर है। 10 बेड का अस्पताल में हमारे यहाँ बना हुआ है, MCH बिल्डिंग में मस्किटो नेट के साथ बेड लगा हुआ है, रिजर्व किया हुआ। 16 प्रखंड में 2-2 बेड का डेंगू के लिए वार्ड में 2 बेड अलग से रिजर्व करके छोड़ा हुआ है। बचाव के लिए टेमीफॉस का छिड़काव हो रहा है, जहाँ जहाँ पानी का स्टैग्नेशन का जगह रहता है उस समय टेमीफॉस के छिड़काव के लिए सब जगह चल रहा है। निगम के तरफ से भी, हमारे सतीश बाबू के तरफ से भी उसकी व्यवस्था हो रही है। केस अभी नहीं है, केस जहाँ होगा वहाँ फॉगिंग का व्यवस्था निगम की तरफ से, हमारे तरफ से, दोनों तरफ से। मलेरिया अभी कोई विशेष उसके लिए प्रकोप नहीं है। मलेरिया के लिए जाँच के लिए हर एक बुखार को माना जाता है कि मलेरिया है, जब तक लेकिन जाँच में निगेटिव नहीं साबित हो जाता है। वो लाइन पर यहाँ जो भी बुखार का केस आता है उसका टेस्टिंग और ट्रीटमेंट दोनों चल रहा है। जल जनित बीमारियों के लिए सबसे ज़्यादा IC जो है, इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, प्रचार प्रसार जिसको बोलते हैं, वो सबसे ज़्यादा आवश्यक है, जो सब जगह सभी प्रखंडों में आशा के माध्यम से, ANM के माध्यम से पब्लिक में कराया जा रहा है उसकी जागरूकता, कि इससे बचाव के लिए ताज़ा खाना खाएँ, ढका हुआ खाना खाएँ, तुरंत का बना हुआ खाना खाएँ। पानी जो है सो ऊपर वाले लेयर का जो है 20 फीट 25 फीट 30 फीट के लेयर का जो पानी है वो न पिए। सब जगह जल जीवन का जो है नल जल का जो पानी है वो काफ़ी अच्छा पानी है, वो 300 साढ़े 300 400 फीट नीचे का है, वो पीने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऊपर लेयर का पानी है तो बिना उबाले हुए नहीं पिए। इसी का प्रचार प्रसार हम लोग चारों तरफ करा रहे हैं, साथ ही साथ ये भी बता रहे हैं कि कहीं भी। सिविल कोर्ट परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें फरियादियों के केस निष्पादन के लिए त्वरित कार्रवाई की गई। जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से शनिवार को सिविल कोर्ट परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। सुबह 10 बजे सिविल कोर्ट परिसर में उद्घाटन के साथ ही मामलों का निष्पादन शुरू हो गया। राष्ट्रीय लोक अदालत में मामलों का निष्पादन के लिए 14,760 मामलों से जुड़े 41,000 पक्षकारों को नोटिस भेजी गयी थी। मामलों के निष्पादन के लिए कुल 32 बेंच बनाए गए थे। प्रत्येक बेंच में एक न्यायिक अधिकारी, एक अधिवक्ता व एक क्लर्क को शामिल किया गया था। जानकारी देते हुए प्राधिकार के सचिव उमा शंकर ने बताया कि इस अदालत की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें किसी भी पक्षकार की जीत या हार नहीं होती है, सभी कुछ सहमति से होता है। बता दें कि ये इस वर्ष का 3रा लोक अदालत लगाया गया था। एक वर्ष में 4 लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। आप इस प्रकार से इसको समझ सकते हैं कि सारे सुलहनीय वाद, आपराधिक प्रकृति के ऐसे वाद जो सुलह से आधार पे निस्तारित किए जा सकते हैं, बैंक और बीमा क्षेत्र में, बाट माप के क्षेत्र में, या वन अधिनियम से जुड़े हुए जितने भी ऐसे वाद हैं, मोटर वाहन अधिनियम के हो गए, सभी वादों की सुलह यहाँ हो सकती है दोनों पक्षकार को सहमति के आधार पर। और जो आपने सबसे बड़ी बात पूछी कि इसका लाभ किस प्रकार से मिलेगा, तो आप ये जानें कि यहाँ पे नेशनल लोक अदालत में निष्पादित मामलों की अपील अगर आवश्यकता होती है सीधे माननीय उच्च न्यायालय में ही होती है, यानी सामान्यतया ये अंतिम रूप से यही खत्म हो जाता है। और सबसे बड़ा लाभ है कि दोनों व्यक्ति इसमें न कोई हारता है न जीतता है, दोनों ही विजयी महसूस करते हैं। इस नेशनल लोक अदालत की यही खूबी है। कितने वाद सर चिन्हित किएगा? वाद तो हम लोगों ने प्री लिटिगेशन और पोस्ट लिटिगेशन दोनों में मिला करके 30,000 से ज़्यादा चिन्हित किए हैं, और लेकिन सभी चिन्हित वादों में तो सुलह की संभावना हो नहीं पाती है, परंतु फिर भी हम लोगों का। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर एक प्रयास मंच द्वारा मुक्तिधाम स्थित स्लम बस्ती के बच्चों के बीच पठन पाठन की सामग्री का वितरण किया गया। एक प्रयास मंच के द्वारा सिकंदरपुर मुक्ति धाम शमशान घाट स्लम बस्ती में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर महिलाओं के बीच पठन सामग्री वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मंच के संस्थापक संजय रजक ने कहा कि शिक्षा के बिना मनुष्य का जीवन अधूरा है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षित होना बहुत जरूरी है। एक शिक्षित व्यक्ति ही देश के निर्माण में सहयोग कर सकता है। हर साल 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। साक्षरता दिवस कार्यक्रम आयोजन करने का यह उद्देश्य होता है कि लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूक करना, साथ ही लोगों को शिक्षा के महत्व की तरफ आकर्षित करना। एक प्रयास मंच का भी उद्देश्य यह है कि सब पढ़े सब बढ़े, और यहाँ लगातार शिक्षा जागरूकता को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है ताकि सभी लोग पढ़े और सभी लोग आगे बढ़े।
आज अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर महिलाओं के बीच पठन सामग्री वितरण का उद्देश्य यह है कि एक महिला पढ़ेगी तो 7 पीढ़ी पढ़ेगी। अगर एक महिला पढ़ लेती है तो वो पूरे घर परिवार समाज के साथ 7 पीढ़ी तक को शिक्षित कर सकती है। आज अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर महिलाओं के बीच पठन सामग्री का वितरण किया गया है। एक महिला पढ़ेगी 7 पीढ़ी तरेगी। आज एक प्रयास मंच के द्वारा सिकंदरपुर मुक्तिधाम शमशान घाट सलम बस्ती में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर महिलाओं के बीच पठन सामग्री वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शिक्षा के बिना मनुष्य का जीवन अधूरा है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षित होना बहुत ही जरूरी है और एक शिक्षित व्यक्ति ही देश निर्माण में सहयोग कर सकते हैं। और एक प्रयास मंच का उद्देश्य भी यही है, सब पढ़े सब बढ़े, यानी कि अपने लगातार अपने शहर मुजफ्फरपुर में स्लम बस्ती जरूरतमंद बच्चों के बीच शिक्षा जागरूकता कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। उद्देश्य ये है कि ये भी बच्चे पढ़े और अपने साथ अपने परिवार समाज का नाम रोशन करें। और मंच का उद्देश्य ये है कि अपने शहर मुजफ्फरपुर में सभी लोग पढ़े, चाहे वो बच्चे हो। नागरिक मोर्चा ने गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर मुजफ्फरपुर और मोकामा रेलवे स्टेशन का नाम अमर शहीद खुदीराम बोस और प्रफुल्ल शाकी रखने की मांग की। नागरिक मोर्चा ने गृह मंत्रालय एवं बिहार सरकार को पत्र लिखकर अमर शहीद खुदीराम बोस व प्रफुल्ल चंद्र चाकी के नाम पर मोकामा रेलवे स्टेशन का नाम एवं मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन का नाम करने की मांग की है। नागरिक मोर्चा के महासचिव मोहन प्रसाद सिन्हा ने रेल विभाग के पत्र के अनुसार राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र भेजकर रेल विभाग द्वारा भेजे गए संप्रतीप को संकलन करते हुए शहीदों के सम्मान में स्टेशनों का नाम बदलने के लिए रेल मंत्रालय को अनुशंसा करने का आग्रह किया है। अमर बलिदानी खुदीराम बोस के बलिदान दिवस पर नागरिक मोर्चा शहीद खुदीराम बोस प्रफुल्ल चंद्र चाकी स्मारक समिति महाराणा प्रताप सेवा संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में रेलवे जंक्शन पर हम लोगों ने सत्याग्रह किया था कि मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन का नाम शहीद खुदीराम बोस के नाम पर किया जाए और मोकामा रेलवे स्टेशन का नाम शहीद प्रफुल्ल चंद्र चाकी के नाम पर किया जाए। मोकामा स्टेशन पर ही प्रफुल्ल चंद्र चाकी अपने गोली से अपने को बलिदान कर दिया था। तो रेलवे विभाग की ओर से प्रमुख मुख्य वाणिज्य प्रबंधक कार्यालय हाजीपुर से एक पत्र आज मुझे प्राप्त हुआ। उप मुख्य वाणिज्य प्रबंधक आशुतोष शरण जी के हस्ताक्षर से जिसमें उन्होंने ये चर्चा की है। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। अब तक का मुझे और मेरे पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।